हेलो फ्रेंड्स, मैं लवी चौधरी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड एंटरटेनमेंट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी टैंक लोरी में लगने वाले ईएम लॉक को आरओ पर किस प्रकार ओपन करना है। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है और स्क्रीन पे दिख रही स्ट्रैना प्लस ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको एंटर एक्टिवेशन की में जो नीचे दिख रहा टेक्स्ट डालना है, इसमें आपको डालना है BPCLOTUX। ये टेक्स्ट आपको कैपिटल लेटर में डालना है BPCLOTUX और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। इन दोनों जगह पर आपको अपना आरओ कोड डालना है। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में आपको अपना आरओ कोड डालना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें सबसे ऊपर वाले ओल्ड पासवर्ड में आपको अपना आरओ कोड डालना है। न्यू पासवर्ड में आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल, अल्फावेट और स्पेशल कैरेक्टर तीनों का यूज करना है। याद रहे, जो पासवर्ड आप न्यू पासवर्ड में डालेंगे वही सेम पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड में डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जब आपका ऐप लॉगिन होगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट पे आपको दिखेगा ट्रक लिस्ट, सेकंड पे आपको दिखेगा क्लिक की और तीसरे पे आपको दिखेगा चेंज पासवर्ड। फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करते हैं ट्रक लिस्ट में, तो जो भी टैंक लोरी आपके आरओ पे एलोकेट हुई है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखेगा, जिसके नीचे लिखा होगा आरओ इन। सेकंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लेट्स स्टार्ट बाई एडिंग यू की, याद रहे इससे पहले आपको एक प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस में आपको अपनी की से जो बैटरी है उसको रिमूव करना है 30 से 40 सेकंड के लिए। 30 से 40 सेकंड के लिए आपको अपनी बैटरी को निकाल कर बाहर रखना है और 30 से 40 सेकंड के बाद उसको फिर से इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब आप उसको इंसर्ट कर रहे हैं तो आपकी बैटरी का जो प्लस वाला हिस्सा है वो ऊपर रहे। इस प्रोसेस को करने के साथ ही आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ, GPRS और डेटा ऑन रखना है और आपको लेट्स स्टार्ट बाई एडिंग यू की पर क्लिक करना है और अपने फ़ोन के ब्लूटूथ न्यू पेयर डिवाइस पे क्लिक करना है, जिसमें आपको अपनी की आईडी दिख जाएगा। और की आईडी पे क्लिक करने के बाद 10 से 15 सेकंड के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा, आपकी की कनेक्टेड आ जाएगा। इसके बाद फिर से आपको इसी इंटरफेस पर आना है और ट्रैक लिस्ट पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी टैंक लोरी एलोकेट हुई है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखेगा, उसके नीचे आपको दिखेगा आरओ इन, आपको आरओ इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा ड्राइवर ए, आपको वेरीफाई करके यस कर देना है। फिर आपको दिखेगा ड्राइवर बी, आपको उसको भी वेरीफाई करके यस कर देना है। फिर आपको जो इंटरफेस दिखेगा वो है जनरेट OTP टू एक्टिवेट योर की। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब आपको टैंक लोरी खाली करनी है तो उससे पहले आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर प्री डिकेंटेशन पे क्लिक करना है और गाड़ी खाली करने के बाद सेम प्रोसेस है, आपको नीचे वाले ऑप्शन पोस्ट डिकेंटेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्री डिकेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जो है OTP कोड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, उसके बाद आपको OTP कोड डालना है और जैसे ही आप उसको वेरीफाई करेंगे तो ये पॉपअप आपको दिखाई देगा, द की हैज़ बीन एक्टिवेटेड, और अब आप आसानी से अपने लॉक को ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।